हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से एक है दिवाली। 12 नवंबर को आप सब ने धूमधाम से मनाई होगी। ये हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस त्योहार का इंतजार लोग साल भर करते हैं, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि दिवाली में बचे हुए दियों का आप करते क्या हैं? यानी जो दिए आपने जलाए उनका आपने क्या किया। 5 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का हर दिन बेहद खास महत्व होता है। माना जाता है अमावस्या तिथि के दिन माँ लक्ष्मी रात्रि में खुद धरती पर आती हैं, घर घर में जाती हैं, साथ ही कर्मों के मुताबिक लोगों को फल देती हैं। यही वजह है कि लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। वैसे तो लोग कई उपाय करते ही हैं, लेकिन कई लोगों का एक सवाल हमेशा रहता है कि दिवाली के बाद आखिर दिए का करना क्या है। हालांकि दिए के कुछ उपाय बताए जाते हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जो दिए आपने दिवाली के दिन जलाए उनका आपको क्या करना है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दिवाली के बाद दिए के उपाय करने से घर से नकारात्मक शक्तियां यानी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाती हैं। ऐसे में दिवाली के बाद जलाए गए दिए में से 5 दिया घर में रखिए और बाकी बच्चों में बांट दीजिए। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी दुख दूर हो जाते हैं। ज्योतिष ये भी कहते हैं कि दिवाली के बाद जलाए गए दियों को आप नदी या बहते हुए पानी में फेंक सकती हैं। हालांकि ज्यादातर लोग घर में ही कई दिए रख लेते हैं, जो कि गलत है। दरअसल पुराने दिए घर में नेगेटिविटी बढ़ाते हैं, इसके साथ ही घर से सुख शांति भी छिन जाती है। यही वजह है कि दिवाली के बाद दियों को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ज्यादातर लोग दिवाली में जलाए गए दिए नदी में प्रवाहित नहीं करते, या तो उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं या फिर उसे घर के किसी कोने में रख देते हैं। यदि ऐसा है तो इन दियों को घर में छिपाकर यानी एक ऐसी जगह रखिए जहां किसी की नजर ही ना पड़े। कहते हैं घर में रखे दिए देखकर घर से निकला शुभ नहीं होता, बना बनाया काम खराब हो जाता है। इसके लिए बेहतर है कि इन दीपों को घर में छिपा कर रखें। ऐसा करने से आपको लाभ मिल सकता है। एक दिए दान करने की भी परंपरा है। दिवाली में जलाए गए दियों को दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब आप सोचेंगे कि जो दिए या फिर जो दिया आप अपने घर में नहीं रख सकते वो किसी और को कैसे दे सकते हैं। आपको बता दें जब दिवाली के बाद आप दिया देते हैं यानी दिया दान करते हैं, जिसे हम दीप दान भी करते हैं कहते हैं, इससे हमेशा खुशियां बनी रहती हैं और माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। इसके अलावा सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। एक और बड़ी चीज जो आपको जान लेनी चाहिए, दिवाली के बाद जले दीपक से आप काजल बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो अगर आपके घर में भी दीपावली के जलाए गए दिए बच गए हैं तो आप उसे इधर उधर ना फेंकने की जगह या तो नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, उनमें से कुछ बचे दियों को किसी को दान कर सकते हैं या फिर उन दियों से आप काजल बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।